हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ AIS और PIS के बारे में, आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती क्या है और ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है आपकी रिटर्न फाइलिंग को लेकर। जब हम अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए बैठते हैं तो बहुत सी ऐसी इनकम ऐसी होती है जो हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर ये अर्न करी है, हमें जिसके ऊपर टैक्स पे करना चाहिए, या फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो हमें खुद भी याद नहीं रहती। सो ये दो फॉर्म्स इस तरीके की हैं, ये इस तरीके की स्टेटमेंट्स हैं कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो आपको खुद भी ध्यान आएगा कि आपको ये इनकम भी अपनी रिपोर्ट करनी चाहिए। जैसे हम रिटर्न फाइल करते समय 26AS को देखना बहुत ज़रूरी समझते हैं, उसी तरीके से AIS और PIS भी है। बिना इसको देखे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। ये फॉर्म्स पहले अवेलेबल नहीं थे, लास्ट 2 to 3 years से गवर्नमेंट ने इनको लॉन्च किया है। बट हाँ, आफ्टर लॉन्चिंग दिस फॉर्म अब बहुत से लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी अवेयरनेस नहीं थी रिटर्न फाइल करते समय आपको इन फॉर्म्स को देखना है एंड ऑल, सो लोगों ने अपनी रिटर्न जैसे कि वो भरते आ रहे थे वैसे ही भरी, जिसकी वजह से जब डिपार्टमेंट ने दोनों इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जो कि AIS में शो हो रही थी और जिसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल की गई, तो उसके बाद बहुत से नोटिसेस इश्यू हुए कि आपके AIS में कुछ और है और आपने रिटर्न में कुछ और मेंशन किया है, या फिर AIS में कुछ इस तरीके की इनकम है जो आपने अपनी रिटर्न में मेंशन नहीं करी है, आपने यहाँ पे अपनी इनकम को एस्केप किया है, सो आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज हुई है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे नोटिसेज आए हैं। सो अब इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें तो हमें AIS और TIS स्टेटमेंट को जरूर स्टडी करना चाहिए, जैसा हम 26AS के साथ भी करते हैं। सो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होती है और आप इसको किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। AIS की फुल फॉर्म आपकी है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। ठीक है, जो ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपको आपसे रिलेटेड आपका कितना TDS डिडक्ट हुआ, कितना TCS डिडक्ट हुआ, जो भी हमारी SFT की ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब इसमें मैंशन की जाती हैं। ठीक है, प्लस आपकी जो मतलब आपने किस तरह कितना आपने जो है म्यूचुअल फंड सेल किए, कितने के आपने इक्विटी शेयर सेल करे, और आपने बैंक में अगर आपने बहुत मेजर अमाउंट की FD करवाई है तो वो ट्रांजेक्शन, तो इस तरीके की जो भी हमारी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी हमारी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स में नज़र आने लगती हैं। ठीक है, सो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को जो है हमने 2 parts में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए एक है आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन, पार्ट बी है हमारी TDS TCS इन्फॉर्मेशन। पार्ट ए जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसमें हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक हमारा पैन नंबर, आधार नंबर, टैक्स पेयर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इनकॉर्पोरेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें होती है जो कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। जो पार्ट बी है इसका AIS का वो हमारा मेन पार्ट है, उसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जैसे SFT इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आप जब बैंक से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक के ऊपर जो है एक लाइबिलिटी है कि उनको अपनी ईयरली एक SFT स्टेटमेंट भेजनी होती है डिपार्टमेंट में, उसमें उनको इस तरीके के पैन नंबर कोड करने होते हैं, तो वहाँ से ये इंफॉर्मेशन उन रिस्पेक्टिव पैन नंबर्स में रिफ्लेक्ट होती है कि आपने बैंक में इतनी हाई वैल्यू की FD करवाई है, या फिर आपने इतना हाई वैल्यू का कैश विड्रॉ करा है, या कैश आपने डिपॉजिट कराया है। इस तरीके की जो हमारी SFT इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सारी जो है इसमें AIS में जो है रिफ्लेक्ट होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर मैंने कोई म्यूचुअल फंड बेचे हैं, या फिर मैंने कोई म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं, मैंने ट्रेडिंग में डील किया है, इक्विटी शेयर सेल परचेज किए हैं, वो सब इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे जो है मेंशन होते हैं। सेकंड थिंग, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर मैंने कोई अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करा है, मैंने अपना एडवांस टैक्स पे करा है, तो वो सब इंफॉर्मेशन भी हमारी जो है पेमेंट ऑफ टैक्सेस का जो सेक्शन है वहाँ पे शो होता है अंडर AIS।
पहले ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारी 26 ईयर्स में भी शो होती थी, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स से रिलेटेड, बट अब इस साल से असेसमेंट ये 2023-24 से ये चेंज आया है कि 26 ईयर्स में कभी भी अब आपको जो है आपकी SFT ट्रांजेक्शन नहीं मिलेंगी और ना ही जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर एडवांस टैक्स की इंफॉर्मेशन मिलेंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है AIS से ही लेनी होगी, AIS में ही ये इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस डिमांड एंड रिफंड, अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई डिमांड है डिपार्टमेंट की तरफ से जिसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं करी है या फिर आपको रिफंड मिला है, रिफंड का पूरा डिटेल होता है उसमें कि कितना इंटरेस्ट है, कितना रिफंड मिला है, कौन से असेसमेंट ईयर का आपको वो रिफंड मिला है, एंड अदर इंफॉर्मेशन में डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर सोर्स सच एज डाटा पर्टेनिंग टू एनेक्शन टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, फॉरेन रेमिटेंस, आपने फॉरेन रेमिटेंस की है या फिर जो है आपने फॉरेन करेंसी परचेज की है, सो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन आपके पैन नंबर से रिलेटेड है जो कि एक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है या आप कह सकते हैं जो SFT में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होना मैंडेटरी होता है फ्रंटेड पार्टी की तरफ से, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उस पर्टिकुलर पैन नंबर के AIS में रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे और अगर आप अपना AIS चेक कर लेंगे तो अगर कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन सामने से आ रही है तो आपको अपने रिटर्न में इसको ज़रूर जो है डालना है। अगर आप नहीं डालेंगे तो 110% आपको जो है नोटिस आएगा कि आपने ये ट्रांजेक्शन करी थी, आपने अपना इनकम टैक्स में इसको मेंशन नहीं किया है, तो आप इसका रीज़न बताइए। इसमें एक AIS का जो बहुत एक अच्छा बेनिफिट या फिर एक बहुत अच्छा पार्ट है वो ये भी है कि अभी तक क्या होता था, जो इन्फॉर्मेशन हमारे 26 ईयर्स में आती थी वो चेंज करना हमारे हाथ में नहीं होता था। अगर किसी ने मेरा TDS कम जमा कराया है या फिर किसी और का TDS मेरे 26 ईयर्स में गलती से रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर कोई और ट्रांजेक्शन भी है जो 26 ईयर्स का पार्ट होती है, ठीक है, मान लो कि वो आपसे रिलेटेड नहीं है, आपके पैन नंबर से रिलेटेड नहीं है, तो होता क्या था कि मैं उस 26 ईयर्स में खुद से चेंज नहीं कर सकती थी, ठीक है, जो सामने से आ गया अगर सामने वाला उसको चेंज कर देगा तो मेरा 26 ईयर्स करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो करेक्ट नहीं होगा। ये जो चेंज करने वाला एडवांटेज है वो 26 ईयर्स में नहीं था, बट AIS की एक अच्छी बात ये है कि अगर कोई ऐसी इनकम है या फिर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो AIS में आपको नजर आ रही है और आपको लगता है कि आपसे पर्टेन ही नहीं करती, कि ये ट्रांजेक्शन आपसे बिलोंग नहीं करती, कि अगर कैश विड्रॉल दिखा रहा है तो आपने तो ये ट्रांजेक्शन करी नहीं है तो आप इसके ऊपर टैक्स क्यों पे करोगे, या फिर कोई ऐसी म्यूचुअल फंड की सेल दिखा दी या फिर म्यूचुअल फंड परचेज दिखा दी है या किसी भी तरीके की ऐसी ट्रांजेक्शन हो जो आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन आपसे रिलेटेड नहीं है, तो AIS का ये बेनिफिट है कि वहाँ पर आप अपना फीडबैक डाल सकते हैं ऑनलाइन ही कि ये इन्फॉर्मेशन आपसे पर्टेनिंग नहीं है, वहाँ पर आपको फीडबैक डालना है, रिमार्क डालना है। तो होता क्या है, जैसे ही आप उसमें जो है फीडबैक डालेंगे तो उसी वक्त उसमें जो है चेंजेस मॉडिफाई हो जाएंगे, मॉडिफाइड रिपोर्ट आपको जो है नज़र आने लगेगी। ये जो है ऑन टाइम प्रोसेसिंग होती है, उसी टाइम आपका AIS जो है चेंज जाता है एज़ पर योर फीडबैक, ठीक है। अब जो ये AIS है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, डिस्प्ले कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द टैक्स पेयर विद द फैसिलिटी टू कैप्चर ऑनलाइन फीडबैक, यहाँ पे इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि सामने से जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मिली वो डिपार्टमेंट ने रिस्पेक्टिव पैन नंबर के AIS पे डाल दी। अब जो टैक्स पेयर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना AIS चेक करके जो कि डाटा उससे रिलेटेड है उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उसको इनकॉर्पोरेट करे और जो डाटा उससे रिलेटेड नहीं है उसका ऑनलाइन ही वो फीडबैक डाल दे, सो दैट उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और फ्यूचर में जैसे नोटिस आ जाता है कि ये चीज़ आपने इसमें कैप्चर नहीं करी है तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर इनकम को लेकर जो है फीडबैक ऑलरेडी डिपार्टमेंट को डाल दिया है। सेकेंड जो इसमें है, प्रमोट वॉलेंट्री कंप्लाइंस एंड एनेबल सीमलेस प्रीफिलिंग ऑफ रिटर्न। AIS का एक सेकेंड बेनिफिट ये भी है कि जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, जब हम ITR 1 को यूज कर रहे होते हैं, तो AIS की 90% इंफॉर्मेशन ऑटोफिल आती है।
सो आपको फिल करने की मेहनत भी नहीं करनी, 90% इन्फॉर्मेशन आपको ऑटो फिल मिल रही है। आपको जस्ट ये चेक करना है कि आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक है, किसके अगेंस्ट आपको फीडबैक डालना है, और जस्ट अपना रिटर्न को जो है कंप्लीट करके प्रोसीड फॉर फाइलिंग कर लेना है, ठीक है। थर्ड है इसका डेटर नॉन कंप्लायंसीज। अगर आपने कोई आपकी जो है इनकम अगर कोई रह जाती है, अगर आप AIS नहीं देख पाते या आपके दिमाग में नहीं थी वो इनकम, तो इस तरीके की इनकम भी आप AIS को स्टडी करके जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, ताकि आप नॉन कंप्लायंस से बच सके। तो ये मैंने आपको एक समरी बता दी कि AIS जो है हमारा होता क्या है। सेम एज जो होता है हमारा वो होता है TIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। दोनों में मैं अगर आपको ये बता दूं कि डिफरेंस क्या है, AIS जो आपकी होती है वो डिटेल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसमें आपका जो है सब कुछ डिटेल में दिया होता है। TIS क्या है, एक समरी रिपोर्ट है AIS की ही, ठीक है। जैसे आपको मान लो 10 बैंकों से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो AIS में आपका जो लिखा जाएगा वो सब बैंक्स के नाम, और उन्होंने जो आपको इंटरेस्ट दिया है, FD का दिया है या सेविंग का दिया है, वो सब उसमें जो है अलग अलग क्राइटेरिया लिखे होंगे बड़े डिटेल में, तो वो सब अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको AIS में मिलेगी। लेकिन अगर आप उसी पैन नंबर का TIS स्टडी करेंगे, तो उसमें आपको सिर्फ एक फील्ड मिलेगी, ठीक है, कि आपको सेविंग पे इंटरेस्ट कितना मिला है और FD पे इंटरेस्ट कितना मिला है, जितने भी बैंक से मिला है वहां से जो है अपने आप डाटा एक्यूमुलेट होकर, ठीक है, सेविंग का अलग और FD का अलग जो है वहां पे शो हो जाएगा। सेम एज मान लो आपने 10 कंपनीज के म्यूचुअल फंड बेचे या फिर म्यूचुअल फंड परचेज करें, तो TIS में, AIS में क्या होगा, उन सब कंपनीज की अलग अलग डिटेल आपको शो होगी। TIS में क्या होगा, आपने कितना टोटल अमाउंट की परचेज करे वो टोटल अमाउंट मेंशन होगा, कितना टोटल अमाउंट आपने रियलाइज किया एट द टाइम ऑफ सेल वो आपको जो है वहां पे टोटल अमाउंट मेंशन हो जाएगा। सेम एज कितना टोटल आपका TDS डिडक्ट हुआ है, कितना आपने टोटल एडवांस टैक्स पे करा है, मतलब विदाउट एनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक समरी रिपोर्ट आपको मिल जाती है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में। TIS में, TIS में कहीं पर फीडबैक डालने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि TIS जस्ट एक समरी रिपोर्ट है AIS की। जब आप AIS में अपना फीडबैक डाल देते हैं तो TIS में जो है ऑटो चेंज हो जाती है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे इसमें बता रहा है, इट शोज द प्रोसेस्ड वैल्यू, द वैल्यू जनरेटेड आफ्टर डी डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स एंड डिराइव्ड वैल्यू। द वैल्यू डिराइव आफ्टर कंसिडरिंग द टैक्स पेयर फीडबैक एंड प्रोसेस्ड वैल्यू, मतलब कि AIS में जो आपने फीडबैक डाला है उसको प्रोसेस करने के बाद, ऑन टाइम प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस करने के बाद जो भी चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग एक समरी रिपोर्ट इसने TIS में जो है जनरेट कर ली। जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो बेसिकली TIS की समरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मेरे मेरे बहुत सारे बैंक अकाउंट है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो एक एक बैंक अकाउंट का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट उठा के ऐड करने में, या फिर उसको हम ऐड तो कर लेते हैं बट उसको क्रॉस चेक हम TIS से कर सकते हैं कि हमने जो प्रोसेसिंग की है वो मैच कर रही है एंड रिजल्ट मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसलिए TIS का यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो ये था AIS और TIS। अब मैं आपको बताती हूँ कि AIS और TIS आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप जो है इसका फीडबैक डाल सकते हैं, ऑनलाइन आप इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो आइए अब हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताते हैं। फॉर्म AIS TIS को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, अपना इनकम टैक्स पे लॉगिन करना है। इनकम टैक्स पे लॉगिन मैंने करके रखा है। उसके बाद आपको जो है सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है AIS पोर्टल पर जो है रिडायरेक्ट कर देगा। ये हमारा AIS पोर्टल है। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि AIS में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो सब मेंशन की गई है, TIS क्या होता है इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इन सब के बारे में एक आइडिया दिया गया है। अब AIS को देखने के लिए इंस्ट्रक्शन के साथ में ये हमारा AIS का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोनों आप TIS और AIS को डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखने के लिए सबसे पहले हम AIS पे क्लिक करेंगे।
AIS पे क्लिक करने के बाद ये हमारा AIS है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का। इसको अब आपको स्टडी कैसे करना है, जैसा मैंने बताया कि AIS दो पार्ट्स में है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, पार्ट बी में TDS, TCS, SFT, पेमेंट ऑफ टैक्स की इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो ये TDS, TCS है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपके 26AS वाली डिटेल है वो सारी यहाँ पे मेंशन की गई है कि किस किस ने आपका TDS काटा है, कौन से हेड में वो TDS काटा है, कितना TDS आपका कटा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। सेकंड हेड आपकी SFT इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो भी मेरी मेजर ट्रांजेक्शन होती है जो SFT में रिपोर्ट करती है फ्रंटेड पार्टी, वो सारी यहाँ पे जो है मेंशन की जाती है। जैसे यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड सेल हुए हैं या परचेज हुए हैं, ये सब डिटेल यहाँ पे जो है मेंशन की गई है। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी डिटेल है जो आपसे पर्टेन नहीं करती, आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप यहीं पर ही उसका फीडबैक डाल सकते हैं। फीडबैक डालने के लिए आपको करना क्या है, लेट सपोज मुझे इस वाली एंट्री का फीडबैक डालना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एंट्री आपकी जो है डिटेल में यहाँ पे नीचे खुल के आ गई कि आपको कितने के आपने भेजे हैं, कितने के वो परचेज किए थे, कब भेजे, कितना यूनिट प्राइस था, वो सब आपको डिटेल यहाँ पे एकदम डिटेल में यहाँ पे मेंशन है। अब इस एंट्री पे आपको जो भी एक्शन लेना है, जो भी फीडबैक डालना है, आप यहाँ पे क्लिक करके डाल सकते हैं। जैसे आपने ऑप्शन पे क्लिक करा, ये एक उसी एंट्री का पर्टिकुलर एक वाइड एरिया में पेज ओपन हो गया है। यहाँ से अब हमें फीडबैक डालना है कि हम क्या डालना चाहते हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप ये डालेंगे। इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। जो भी एक्शन आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपको डालना चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम अपना फीडबैक यहाँ पे सबमिट करेंगे, रियल टाइम बेसिस पर वो चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगे और आपको अपने AIS में AIS जो है अब विद अमेंडमेंट जो है नजर आने लगेगा। ये ऑप्शन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक बार फीडबैक डाल देते हैं तो फ्यूचर में नोटिस आने के चांसेस कम हो जाते हैं, अगर हम उस पर्टिकुलर इनकम को अपनी टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं करते तो। और अगर नोटिस आता भी है तो हम बता सकते हैं कि हमने उसी टाइम पे फीडबैक डाल दिया था, दैट पर्टिकुलर एंट्री इज नॉट रिलेटेड टू आवर पैन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी हम टैक्स की पेमेंट करते हैं एज एन सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स, वो यहाँ पे जो है मेंशन की जाती है। पहले ये 26AS में भी आता था, बट इस असेसमेंट ईयर से ये 26AS में से हटा दिया है। अब आप सिर्फ AIS में ही देख पाएंगे कि आपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना पे करा है। देन जो भी आपकी डिमांड या फिर जो भी रिफंड ग्रांट हुआ है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वो सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। अदर देन दिस अदर इन्फॉर्मेशन, लाइक आपका अगर GST का रजिस्ट्रेशन है तो उसकी टर्नओवर वगैरह आप यहाँ देख पाएंगे। तो ये था AIS कि आप किस तरीके से इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, फीडबैक कैसे डाल सकते हैं और रिटर्न फाइल करते समय क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप पिक करके अपनी रिटर्न में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं PDF फॉर्म में, तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बारी आती है TIS की, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी को आप कैसे देख सकते हैं। AIS के साथ ही अभी देखिए TIS का ऑप्शन है, इस पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि TIS जो है एक समरी स्टेटमेंट होती है, तो यहाँ पर ये मेरी एक समरी रिपोर्ट निकल के आ गई कि मेरा टोटल डिविडेंड कितना आया था या इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट कितना था, इंश्योरेंस कमीशन कितना था। जब हमने AIS देखा तो AIS में हर एक चीज़ बहुत डिटेल में मैंशन थी, और TIS में एक समरी स्टेटमेंट निकल के आई है कि अगर मैं अपनी रिटर्न भरना चाहती हूँ, मुझे टोटल डिविडेंड कितना दिखाना है, वो मैं यहाँ से फिगर पिक करके डाल सकते हैं, या फिक्स डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट आया है हम टोटल फिगर उठा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप टोटल फिगर यहाँ से उठाइए और अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में इसको पंच कर दीजिए। तो ये है हमारा AIS और TIS, कैसे आप देख सकते हैं, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है इस चीज़ का, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि TIS और AIS होता क्या है और आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए, आपके लिए बहुत ही जो है